नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजा और आप देख रहे हैं बर्मा टेक जोन। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि आप व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट फाइल में फ़ोटो वीडियो आप किसी के साथ कैसे भेज सकते हैं। इससे यह होता है दोस्तों, क्योंकि आप फ़ोटो किसी के साथ ऐसे ही सेंड करते हैं व्हाट्सएप में तो उसका क्वालिटी कुछ लो हो जाता है, यानी फ़ोटो फट जाता है। और अगर आप डॉक्यूमेंट में अगर सेंड करते हैं तो जैसा आपके पास फ़ोटो है वैसा ही जाता है, यानी क्वालिटी थोड़ा सा भी नहीं फटता है, MB उतना ही का ही बना रहता है। तो इसलिए आप फुल HD में किसी के साथ आप शेयर कर सकते हैं व्हाट्सएप में डॉक्यूमेंट फाइल में बना के। इससे आपको काफ़ी मतलब बेनिफिट होगा, क्योंकि फ़ोटो फटेगा नहीं, वीडियो भेज सकते हैं, ऐसा मतलब फुल HD में फ़ोटो भेज सकते हैं किसी के साथ व्हाट्सएप में, थोड़ा सा भी क्वालिटी नहीं फटेगा। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में ही चीज़ बात करते हैं और बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। हमारी तरफ से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर हमारे चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, ताकि हमारे चैनल पर ऐसे ही नॉलेजेबल कॉन्टेंट आप लोगों को प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको व्हाट्सएप पर आ जाना है। व्हाट्सएप पर आने के बाद देन दोस्तों आपको हम लॉक लगा के रखें, खोल लिए, ठीक है। खोलने के बाद देन दोस्तों हम फिर से व्हाट्सएप पर आके दिखा देते हैं आपको पूरा लाइव प्रूफ के साथ। तो उसके बाद देखिए दोस्तों, सिंपली से अगर हमें इसके साथ अगर डॉक्यूमेंट में फ़ोटो भेजना है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसमें क्लिक करते हैं। देन दोस्तों देख नीचे देख रहे हैं कैमरा के बगल में, यहाँ पे जहाँ से आप टेस्ट टाइपिंग करते हैं वहाँ पे क्लिक करके इस तरह का आएगा इंटरफेस, तो आपको डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना। जैसा कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिख रहा है, यहाँ से गैलरी से आप फ़ोटो भेज सकते हैं, तो क्वालिटी फट जाता है। और डॉक्यूमेंट में भेजने से आप एक थोड़ा सा भी क्वालिटी नहीं फटेगा, जितना MB का आपके फ़ोन में वही MB का दूसरे फ़ोन में चला जाएगा, यानी क्वालिटी लो नहीं होगा। तो डॉक्यूमेंट में यहाँ पे क्लिक करना है। देन दोस्तों आपको फ़ोटो को चूज कर लेना है, ब्राउज़र में यहाँ जाके आपको सिंपली से आपको यहाँ से नहीं फ़ोटो दिख रहा है, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो देन आपको लेफ़्ट साइड में 3 लाइन वाले ऑप्शन पे आना है। आने के बाद देन दोस्तों आपको यहाँ पे पिक्चर पे क्लिक करना है, यानी कौन सा फाइल में है, यहाँ से आप देख लीजिए जौन सा फाइल में आप फ़ोटो रखे हैं और उस फ़ोटो को किसी दूसरे के साथ शेयर करना चाहते हैं, तुम भेजना चाहते हैं डॉक्यूमेंट में। तो जैसा कि हम पिक्सल लैब को ओपन किए, जैसा कि इस फ़ोटो को हम सेंड कर देते हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा भी इसको बाद यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस आएगा, उसके बाद यहाँ पे सेंड कर दें। सेंड करने के बाद दें दोस्तों कुछ इस तरह का JPG फाइल बन के चला जाएगा, जैसे कि आप देख रहे हैं। तो इस तरह से आप दूसरे के साथ डॉक्यूमेंट फाइल में JPG फ़ोटो किसी के साथ वीडियो सेंड कर सकते हैं। तो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा कि इस वीडियो में क्या क्या बताए हैं। और ये वीडियो पसंद आया हो तो यार लाइक करो, शेयर करो, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ऑल नोटिफिकेशन बेल को दबाओ, ऑल पर क्लिक करो। और ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो मैं बनाता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।